A very good evening to all participants and members of our community. एक बार पुनः आप सभी members का इस virtual मंच पर हार्दिक स्वागत है. आज हमारे व्याख्यान श्रृंखला का 11वां व्याख्यान है और ये व्याख्यान श्रृंखला काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आदरणीय संस्थापक परम श्रद्धेय पंडित मदन मोहन मालवीय जी के नाम से शुरुआत हमने की है. उस व्याख्यान श्रृंखला के अंतर्गत आज 11वां व्याख्यान है. हमारे बीच देश के ख्यातिलब्ध शिक्षाविद प्रोफेसर सीपीएस चौहान सर उपस्थित हैं. सर का मैं इस वर्चुअल मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनके चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूं. नमस्कार. आज का जो विषय है वो विषय है इंडियाज क्वेस्ट फॉर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज, सम रिफ्लेक्शंस ऑन एनईपी 2020. आप सभी ने अभी हाल ही में विश्व की कई संस्थाएं हैं जो रेटिंग जारी करती हैं विश्वविद्यालयों की रैंकिंग के संदर्भ में, उनको पढ़ा होगा. फिर आपके मन में कुछ प्रश्न आए होंगे, निश्चित रूप से उन प्रश्नों को भी आज का व्याख्यान कवर करेगा. सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में मैं मालवीय जी का एक संदेश पढ़ता हूं. 1929 में उनके दीक्षांत भाषण से कुछ अंश विद्यार्थियों के लिए लिए गए, क्योंकि विद्यार्थी हमारे इस कार्यक्रम से बहुत जुड़ते हैं लाइव. विद्यार्थियों के लिए उनका संदेश था, या हम कहें उपदेश था, कि सत्य, ब्रह्मचर्य, व्यायाम, विद्या, देशभक्ति तथा आत्मत्याग द्वारा अपने समाज में सदा सम्मान के योग्य बनो. मालवीय जी चाहते थे कि विद्यार्थी सदा सत्य का आचरण करें, ब्रह्मचर्य और व्यायाम द्वारा अपनी जीवन शक्ति को परिपुष्ट करें, नियमित रूप से विद्या अध्ययन कर अपनी बौद्धिक शक्ति का विकास करें, स्वयं में अपने कुटुंब तथा अपने राष्ट्र की सेवा करने की क्षमता पैदा करें, सदा शुद्ध रहें और सील का पालन करें. मालवीय जी के इस उपदेश और विद्यार्थियों के लिए संदेश के साथ आज के इस कार्यक्रम की मैं शुरुआत करता हूं. प्रारंभ में आज के हमारे जो विशेषज्ञ शिक्षाविद के रूप में वक्ता उपस्थित हैं उनका परिचय, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी हमारे शिक्षा शिक्षक शिक्षा के कार्यक्रमों से अभी नए जुड़े हैं, उनको सर का परिचय अत्यंत ही आवश्यक है, जिससे कि वो भी अपने जीवन में एक ऊंचाई को हासिल करने के लिए रास्ता चुन सके. ना प्रोफेसर चंद्रपाल सिंह चौहान सर की जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, प्रोफेसर चौहान डिड हिज एमएससी मैथमेटिक्स फ्रॉम मेरठ यूनिवर्सिटी 1972, मास्टर ऑफ एजुकेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इन 1975 एंड ही डिड पीएचडी एजुकेशन फ्रॉम जामिया मिलिया इस्लामिया New Delhi in 1982. Areas of specializations are higher and professional education, research methods and educational statistics, educational measurement and evaluation, current problems of Indian education and mathematics education. Professional profile की अगर हम बात करें, sir. is currently UGC nominee in governing boards of HJ College of Education, Mumbai, St. Javier's College of Education, Autonomous College है ये, Tamil Nadu का, and MIER College of Education, Jammu and Kashmir. Sir was former chairperson, governing body of Inter-University Center for Teacher Education, Banaras Hindu University. It is a center of education ministry. Sir was professor of education from 1996 to 2014.
and he was chairperson of Department of Education in Aligarh Muslim University from 1996 to 99, and second term was 2005 to 2008. Professor Chauhan was also Dean Faculty of Social Science from 2009 to 2011 in Aligarh Muslim University. He retired on 30th April 2014. Professor Chauhan has published 6 books, 9 research papers in international journals, 45 papers or articles in national journals, and 6 modules as a part of study material of Indira Gandhi National Open University and other institutions. The professional experience की अगर हम बात करें, जैसे आप सभी विद्यार्थी अभी जुड़े हैं, शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों से करियर की शुरुआत होती है. He started his career as a junior research fellow in the NCERT in 1975, and after that he joined as a lecturer in education at Faculty of Education, Banaras Hindu University in 1980. After that, in 1985, he got selected as a reader in education at Aligarh Muslim University through open competition, and was promoted as professor of education in 1996 in the same university. और जैसा कि हमने अभी बताया आपको, सर 2 बार विभागाध्यक्ष रहे, और इसके बाद he was invited by National Institute of Educational Planning and Administration, जिसे हम पहले न्यूपा कहते थे और नीपा कहते हैं, नई दिल्ली में है ये, to work as fellow of the National University for 1 year in 2008. During this period, he made an intensive study of higher education system of SAARC countries and published research papers in that area. After returning to AMU in 2009, he took over as a Dean Faculty of Social Science for 1 term. During this period, Professor Chauhan has also officiated as Vice Chancellor of Aligarh Muslim University several times in the absence of the regular Vice Chancellor. Sir has taught undergraduate, postgraduate and research students over 34 years since 1980, and supervised successfully the research work of 12 PhD students and guided over 35 dissertations at master's level. He is life member and former president of All India Association of Teacher Educators, AIATE, Delhi, and so far organized several annual conferences of this body at various places in India. He was member of editorial board of the NCET journal Anveshika, aap log jante hain, jo ki teacher education par hai, 2006 se 2007 tak. And he was appointed member of High Power Committee by NCT on evaluation in teacher education in 2006. UGC appointed the member of advisory committee of SAP program of Department of Education, Punjab University, Chandigarh for a period of 5 years. He acted as a member, convener on various expert committees and visiting, inspecting teams of the UGC for visiting universities, institutions, colleges for various purposes. Sir was member of Academic Council of the University of Lucknow for 2 years in 2011, member of Executive Council of Central University of South Bihar in 2016. To 2019, and actively participated in various programs of NCERT, NIOS, NCT, UGC, IGNU, NEPA, and UPSC as advisor, UPSC Delhi, New Delhi. Sir has attended
Many seminars and workshops at national level, presented papers and chaired sessions, organized national webinars on different themes of education at Aligarh Muslim University and outside the campus also. And he has also attended International Congress on Higher Education at Havana, the capital of Cuba, during February 13 to 17, 2006, and presented a paper on internationalization of higher education, the Indian response. He also attended the Asian Conference on Education held at Osaka, Japan in 2009. He also chaired a session on the theme Education in Asia in this conference. Attended the fourth International Conference on Academic Disciplines held during May 26 to 30, 2013 at Harvard University campus in Boston, USA. तो आपने अभी एक विस्तृत परिचय मैंने जानबूझ के दिया सर का, क्योंकि सर का जो सर की जो शैक्षणिक यात्रा है, सर का जो अध्यापन अनुभव है, हम सभी युवा साथियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। और सर की पुस्तक, हायर एजुकेशन में सर की पुस्तकें आप लोग पढ़ेंगे, आप पढ़े भी होंगे, बहुत से विद्यार्थियों भी अभी जो एमएड में हैं, जो एजुकेशन में नेट की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने पढ़ा भी होगा सर की पुस्तकों को। तो आपने पाया होगा कि शिक्षा के ज्वलंत मुद्दों पर सर ने कितना बेहतरीन तरीके से, शोधपरक तरीके से लिखा है। मैं सर को आज इस मंच पर आप सभी विद्यार्थियों की ओर से भी, व्यक्तिगत अपनी ओर से भी आमंत्रित करता हूँ कि सर हम सभी का मार्गदर्शन करें ऐसे समय में जब नई शिक्षा नीति आ चुकी है और उसके क्रियान्वयन पर चर्चा है, और हम विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए सभी स्टेक होल्डर्स, जो भी एजुकेशन के स्टेक होल्डर्स हैं या टीचर एजुकेशन के स्टेक होल्डर्स हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं। सर को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। सर कृपया अपना व्याख्यान आरम्भ करें। थैंक यू डॉक्टर सोमी सिंह। सभी पार्टिसिपेंट को मैं वेलकम करता हूं कि मुझे सुनने के लिए हाजिर हुए, और हम एक दूसरे से कुछ सीखेंगे, इसका ये अच्छा मौका है। और डॉक्टर स्वामी सिंह ने पहले ही मुझे बता दिया कि लैंग्वेज बाइलिंगुअल होगी, इसके मैं मुबारकबाद देता हूँ। इन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पहले से इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, क्योंकि उसमें है, उसमें एजुकेशन पॉलिसी में दिया है कि टीचर्स को अब बाइलिंगुअल होना चाहिए, कि बाइलिंगुअल लैंग्वेज हम इस्तेमाल करेंगे अपने उसमें। डॉक्टर सौम्य सिंह ने अब तक जो 10 लेक्चर्स हुए हैं उनकी भी लिंक मुझे दो तीन दिन पहले भेज दी थी, तो मैंने उन सभी को देखा है, सुना है, और उनसे भी मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और इसके लिए भी मैं डॉक्टर सोमी सिंह और उनकी टीम का आभार व्यक्त करता हूँ। और सभी, मैंने देखा कि सभी बड़े बड़े लोग थे और मुझे उनके साथ शामिल कर लिया, इसके लिए भी मैं आभारी हूँ। एक चीज़ और है कि हम लोग, मैंने जो सुना है 10 लेक्चर्स को, तो ज़्यादातर स्कूल एजुकेशन और टीचर एजुकेशन पे बात हुई है। फैक्ट ये है कि हम लोग सभी टीचर एजुकेशन, टीचर एजुकेटर जितने भी हैं, क्योंकि हम टीचर ट्रेनिंग देते हैं स्कूल एजुकेशन की, इसलिए हमारा ज़्यादातर ध्यान स्कूल एजुकेशन और टीचर एजुकेशन भी रहता है, और हायर एजुकेशन की तरफ हमारा ध्यान बहुत ज़्यादा नहीं जाता। लेकिन मैंने थोड़ा सा ये कोशिश की, और अपने कैरियर से शुरुआत से ही मुझे हायर एजुकेशन के इश्यूज जो हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनमें इंटरेस्ट रहा है, उनको मैंने थोड़ा स्टडी भी किया है और उन पर लिखा भी है। और एक्चुअली 1990 में जो मेरी सबसे पहली बुक छपी वो हायर एजुकेशन पर ही थी, और ये बुक है, और ये इस लाइब्रेरी में होगी भी सब जगह, और इसको काफ़ी लोगों ने पढ़ा, बड़े अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी आए। प्रोफेसर अदिसे सैया
एक मशहूर शिक्षा शास्त्री है, उन्होंने इस किताब को रिव्यू किया। तो इस तरह से हम लोग उनको सबको चाहिए कि थोड़ा हायर एजुकेशन की तरफ भी हम ध्यान दें, और इसलिए मैंने जानबूझ के ये टॉपिक चुना इससे कि थोड़ा सा अलग इंडियाज क्वेस्ट फॉर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज सम रिफ्लेक्शन फ्रॉम NNEP 2020। आजकल बहुत सारे देश हैं जो ये चाहते हैं कि हम वो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज खोलें, उनकी यूनिवर्सिटीज अच्छी हो, तो उसी चीज के बारे में आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा देश टीचर्स का ही देश, वी आर ए कंट्री ऑफ टीचर्स, और एक्विजिशन एंड डिसमिनेशन ऑफ नॉलेज हैज बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कल्चर। बहुत एंशियंट पीरियड से ही ज्ञान का अर्जन करना और उसे उसका प्रसारित करना ये हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा। और जो जिनको हम सबसे पहली आधुनिक यूनिवर्सिटी मानते हैं, इटली की यूनिवर्सिटी सलेनो और बोलोगना जो कि 12th century में खुली, उनको दुनिया में यानी वेस्टर्न वर्ल्ड हुए है वर्ल्ड उनको उनको दुनिया में पहली यूनिवर्सिटी मानता है कि उससे पहले शायद यूनिवर्सिटी नहीं थी, लेकिन ये बात सच नहीं है। हमारे यहाँ उससे बहुत पहले यूनिवर्सिटीज थी। सच्चाई ये है कि कॉरपोरेट यूनिवर्सिटी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो विचार है, ये दुनिया को हमने दिया, भारतीयों ने दिया है, ये बाहर से विचार नहीं आया। हम जबकि ये इंप्रेशन दिया जाता है कि अंग्रेज यहाँ आए, उन्होंने हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज खोली, हमने उनसे पढ़ना लिखना सीखा, ये सब ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सच्चाई ये है कि हमने ही दिया है ये कॉन्सेप्ट, और हमारे यहाँ प्राचीन का एंशियंट पीरियड में भी तक्षशिला और नालंदा जैसी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हुए हैं और जिनका साइज भी बहुत बड़ा था, और ये कहा ये रिकॉर्ड में मिलता है, लिटरेचर में मिलता है कि नालंदा में जो कि 12th century में थी, उसमें करीब स्टूडेंट थे 10,000 स्टूडेंट और 1500 टीचर्स, एक अपने आप में बहुत बड़ा सेटअप था। और ब्रिटिश वर्ल्ड के कुछ ऑथर्स ने ये बात मानी कि ये जो मॉडर्न यूनिवर्सिटी, मॉडर्न रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट है वो इंडियन है, ये माना। इसके लिए मैं आपको अभी एक संदर्भ पढ़ के सुनाता हूँ जिससे कि आपको लगे हाँ वेस्टर्न लोग भी ये बात मानते हैं। देखिए एक ब्रिटिश ऑथर क्या लिखता है, मैं आपको इसका हिंदी में भी बता चल, वो लिखता है द मॉडर्न यूरोपियन यूनिवर्सिटी ट्रेस देयर डिसेंट फ्रॉम द फर्स्ट टू यूनिवर्सिटीज फाउंडेड इन इटली इन द 12th सेंचुरी एट सेलेर्नो एंड बोलोगना, बट देयर वर फोर रनर्स ऑफ दिस अर्ली यूनिवर्सिटीज ऑफ यूरोप दैट नियरली बट नॉट क्वाइट अप्रोच द यूरोपियन कॉन्सेप्ट इन एम एंड स्कोप। देखिए इसका अब तक का मतलब यह है, अब तक ये माना जाता है कि जो मॉडर्न यूनिवर्सिटी है वो यूरोपियन है, यूरोपियन कॉन्सेप्ट है, और ओरिजिनली सबसे पहली सेलेर्नो और बोलोगना इटली में दो यूनिवर्सिटीज खुली थी। लेकिन ये कहता है बट देयर वर फोर रनर्स ऑफ अर्ली यूनिवर्सिटीज ऑफ यूरोप, इससे पहले भी यूरोप की यूनिवर्सिटी से पहले भी यूनिवर्सिटीज थी, वो ये कह रहा, जो कि करीब करीब वैसी ही थी जैसी ये। आगे ये लिखता है परहैप्स द फर्स्ट ऑफ दीज वर द फॉरेस्ट आश्रम्स ऑफ इंडिया। देखिए यहां से शुरू किया, वो कहता है जो फॉरेस्ट आश्रम थे इंडिया के वो पहले इस तरह के इंस्टीट्यूशन थे। द इंस्टीट्यूशन ऑफ दीज फॉरेस्ट स्कूल्स फॉर एडल्ट्स इज ट्रेस्ड एज फार एज 1500 BC, यानी 1500 साल बिफोर क्राइस्ट। वो कह रहा है कि 1500 साल बिफोर क्राइस्ट से पहले भी इस तरह के इंस्टीट्यूशन इंडिया में थे। नाउ फ्रॉम दिस टाइम फॉरवर्ड द टीचर्स वुड रिटायर टू क्लियरिंग्स इन द फॉरेस्ट फार फ्रॉम द नॉइज ऑफ
settlements and attract a group of youngsters, young men, willing to join them in their retreat to live a life of contemplation and philosophical discussion. ये उसने कहा, यानी उसने ये कहा कि माना ये जाता है कि सबसे पहली यूनिवर्सिटी वेस्ट में, यूरोप में खुली, इटली में खुली, लेकिन सच ये नहीं है. वो ऑथर भी कहता है कि इससे पहले जो इंडियन यूनिवर्सिटी थी, इंडियन फॉरेस्ट आश्रम थे, वो इसी तरह के इंस्टीट्यूशन थे. तो उन्होंने भी ये माना कि मॉडर्न यूनिवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो दुनिया को हमने दिया है. तो ये एक बात हमें अपने दिमाग से ये निकाल देनी चाहिए कि जो मॉडर्न यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट है वो बाहर का है, वो हमारा नहीं है. ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं. ओके, अब हम अगर ये कहें कि क्योंकि प्राचीन जो यूनिवर्सिटीज हमारे यहाँ थी उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, उसके इतिहास में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन आज जो जिनको हम मॉडर्न यूनिवर्सिटीज बोलते हैं उनमें से पहली तीन यूनिवर्सिटी कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास 1857 में खुली थी हमारे, 1857 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी एंड मद्रास. ये सिर्फ एग्जामिनिंग बॉडीज थी, इनमें टीचिंग नहीं होती थी. और 27 कॉलेजेस विच ऑलरेडी एग्जिस्टेड, यानी हमारे यहाँ की ये खासियत ये है कि यूनिवर्सिटीज हमारे यहाँ ये बाद में आई है, इससे पहले हमारे यहाँ 27 कॉलेजेस थे जो उस वक्त लंदन यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होते थे. टीचिंग हमारे कॉलेज में होती थी और एग्जामिनेशन लंदन यूनिवर्सिटी का, इस तरह सिस्टम था. 1857 में जब पहली यूनिवर्सिटी बनी तो 27 एफिलिएटेड कॉलेज मौजूद थे. जब ये यूनिवर्सिटीज खुली तो 27 कॉलेज इन्हीं से एफिलिएट हो गई. दीज यूनिवर्सिटीज वर ओनली एग्जामिनिंग बॉडीज एंड नो टीचिंग वर्क वाज कंडक्टेड इन द डिपार्टमेंट. इनफैक्ट देयर वर नो डिपार्टमेंट्स ऑफ टीचिंग इन द यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट्स थे ही नहीं, ये सिर्फ एक ऑफिस थे जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करते थे. और उस वक्त सिस्टम हायर एजुकेशन छोटा सा था, 27 कॉलेज में करीब करीब 250 स्टूडेंट थे, यानी पर कॉलेज 10-20 स्टूडेंट नहीं थे, इतना छोटा था. ये पोजीशन थी. इसके बाद बहुत ब्रीफ में मैं हिस्ट्री की बात करूंगा, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा. बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी करीब 5 यूनिवर्सिटी हो गई, 2 और खुली, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, सॉरी पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर 1882 में खुली, और उसके बाद अलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887 में, 1887 अलाहाबाद यूनिवर्सिटी. सो बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी वी हैड 5 यूनिवर्सिटीज विच एफिलिएटेड 150 कॉलेज, 150 कॉलेजेस 150 हो गए थे तब तक, और टोटल एनरोलमेंट करीब करीब 16,000 के करीब था. तो तब भी बहुत बड़ा सिस्टम नहीं था. तो ये पोजीशन थी. उसके बाद जो प्रोग्रेस है वो थोड़ी स्लो रही, बिकॉज फ्रीडम मूवमेंट गैदर्स मोमेंटम एंड देयरफॉर द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन एट ऑल लेवल्स स्लो डाउन. प्रोग्रेस कुछ कम हो गई, एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन कम खुले. और 1947 तक हमारे पास 30 यूनिवर्सिटीज थी, वैसे 21 थी, लेकिन एक यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में चली गई थी जो पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर थी, वो पाकिस्तान चली गई. तो 20 यूनिवर्सिटी बची थी और जिनमें करीब करीब 500 एफिलिएटेड कॉलेजेस थे और 2,00,000 के करीब टोटल एनरोलमेंट सब में था. ये हमारी आज़ादी के टाइम पर हमारे सिस्टम की ये सिचुएशन थी. बहुत बड़ा सिस्टम नहीं था और हार्डली 2-3% रेलिवेंट एज ग्रुप के लोग स्कूल कॉलेज एजुकेशन में जा पाते. जो 18-23 साल की जो एज ग्रुप है उसमें से 1-2% लोग थे जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे उन दिनों. तो बहुत छोटा सिस्टम था 1947. उसके बाद भारत सरकार ने प्लान डेवलपमेंट शुरू किया
फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, इस तरह के प्लान्स आए, और उन 5 ईयर प्लान्स में एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत सारे प्रोविजन थे। और इस तरह से डेवलपमेंट होते होते अब जो लेटेस्ट पोजीशन है 2020-21 की बता रहा हूँ मैं आपको, नाउ वी हैव अराउंड 1000 यूनिवर्सिटीज एंड इक्विवेलेंट इंस्टीट्यूशन, I mean 1000 degree awarding bodies which include universities and higher education, I mean institutions of higher education like IITs and IIT. So, करीब करीब 1000, उससे ज्यादा ही है नंबर, कहीं मैंने देखा शायद 1039 is the number. अब सिस्टम थोड़ा बढ़ गया, काफी बड़ा हो गया है, और करीब कॉलेजेस का नंबर है 42,000 के करीब, कुछ ज्यादा ही है 42,000 से, जो कि इन यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। हालांकि यूनिवर्सिटी दो तीन तरह की हैं, कुछ तो यूनिटरी हैं जिनसे कॉलेजेस एफिलेटेड नहीं हैं, कुछ ऐसी हैं जो एफिलेटिंग हैं, और कुछ ऐसी हैं जो दोनों तरह की हैं, एफिलेटेड भी है डिपार्टमेंट भी उनमें काम करते हैं, इस तरह से है। और टोटल एनरोलमेंट जो हमारी यूनिवर्सिटी में इस वक्त है वो है 38.5 मिलियन, मीन्स 3.85 करोड़, यानी 3.85 करोड़ लोग हैं वो एनरोलमेंट हमारे इंस्टीट्यूशन पे है, और करीब करीब 15 लाख टीचर्स हैं। इतना बड़ा अब हमारा सिस्टम हो गया है, 1000 यूनिवर्सिटी, 42,000 कॉलेजेस उससे ज़्यादा, 38.5 मिलियन स्टूडेंट्स एंड नियरली 15 लाख टीचर्स। दिस इज द पोजिशन, दिस इज द यू नो size of our system, and this is in fact one of the largest higher education systems of the world. At present, we are in fact third largest हमारा system है, हमसे बड़े दो systems हैं, एक US का system है, दूसरा China का system. China हालांकि बहुत पीछे था, लेकिन recently China ने काफी उसमें प्रोग्रेस की है, और अब चाइना दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट हायर एजुकेशन सिस्टम का ओनर कर से हुआ। तो ये अब की लेटेस्ट पोजीशन है, और दुनिया के करीब करीब टोटल एनरोलमेंट का 10% हमारा एनरोलमेंट, टोटल एनरोलमेंट ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज इज नियरली 10% ऑफ द टोटल हायर एजुकेशनल institutions of the world. मैंने दुनिया का 10% enrollment हमारे यहाँ है, और जो हमारा enrollment total है वो कनाडा की total population के बराबर है। अब आप देखिए total population कनाडा की जितनी है, उतने लोग हमारे यहाँ university और college में पढ़ने जाते हैं। ये number ऑस्ट्रेलिया की population से 1.5 गुना है, यानी देखिए ऑस्ट्रेलिया को मानते हैं एक डेवलप्ड कंट्री है, बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ने जाते हैं और काफ़ी पैसा वहाँ खर्च करते हैं, लेकिन वहाँ की जो पॉपुलेशन है उससे हमारे हायर एजुकेशन में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका नंबर 1.5 गुना है। तो ये 200 कंट्रीज ऐसे हैं जिनकी पॉपुलेशन हमारे यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट से कम है। नाउ यू कैन सी द साइज ऑफ दिस, यानी दुनिया में 200 देश ऐसे हैं जिनकी टोटल पॉपुलेशन भी इतनी नहीं है जितने हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम में यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में स्टूडेंट्स। तो ये हम अब साइज की बात, लेकिन फिर भी इतना बड़ा साइज होते हुए भी बहुत छोटा है। अब छोटा कैसे ही आप समझिए, ये समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जरूरतें पूरा नहीं कर, छोटा इसलिए है क्योंकि हायर एजुकेशन बहुत तेजी से डेवलप हुई, हालांकि रिसेंट ईयर्स में पिछले 20 साल में करीब 10% से और 27% हो गया है GER जिसे कहते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेट, स्पेशली विद द ग्रोथ ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज,
इतना एनरोलमेंट और सारी चीज सिस्टम बढ़ा है कि वो 10% था GER, अब करीब करीब 27% हो गया है, तो सिस्टम थोड़ा बढ़ा है, लेकिन फिर भी छोटा इसलिए कि अभी भी ये वर्ल्ड एवरेज से 10% कम है. यू नो वर्ल्ड एवरेज ऑफ GER इज 37, पूरी दुनिया का अगर मीन एवरेज लें तो 37 है, हमारा 27, 10% कम है उससे नीचे. और अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज की, सॉरी डेवलप्ड कंट्रीज को देखें तो उनका एवरेज 55%, यानी वहाँ 55% जो है GER है, यानी जो रेलेवेंट एज ग्रुप है 18 से 23 साल का, उसके 55% लोग यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ने जाते हैं. ये डेवलपिंग कंट्रीज का एवरेज है. अगर हम कुछ कंट्रीज को इंडिविजुअली देखें तो साउथ कोरिया में 94% है, इसी हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा साउथ कोरिया में. यूएसए में 88%, यानी जो 18 से 23 साल की एज ग्रुप की जो टोटल पॉपुलेशन यूएसए की है, उसका 88% हायर एजुकेशन में है, वो पढ़ते हैं, चाहे वो ओपन सिस्टम में हो चाहे वो रेगुलर सिस्टम में हो, एक अलग बात है, लेकिन दे आर स्टूडेंट्स. और दूसरे कंट्रीज में ऑस्ट्रेलिया में 72, यूके में 60, एंड सो एंड इवन चाइना हैज 51, चीन में भी 51. चाइना के बारे में मैं आपको बताऊं कि चाइना, जैसे मैंने बताया, फर्स्ट हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी खुली थी 1857 में, जिसको हम आजकल की मॉडर्न यूनिवर्सिटी कहते हैं, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास, 1857 में खुली थी. चाइना में फर्स्ट यूनिवर्सिटी 1895 में खुली थी, 38 साल बाद. और उसके बाद 10 साल 1966 से 1977 तक चाइना की सारी यूनिवर्सिटीज बंद रही, बिकॉज ऑफ यू नो चाइनीज रिवोल्यूशन, सारी यूनिवर्सिटी बंद 10 साल वो जोड़ दीजिए तो 48 साल हो गए. तो चाइना को हमसे 48 साल पीछे होना चाहिए था, लेकिन चाइना हमसे बहुत आगे चला, डेवलपमेंट में ही नहीं, बहुत सारी चीजें हैं. तो ऐसा कैसे हो गया, इन चीजों पे हमको विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि जिस देश ने हमसे 38 साल बाद पढ़ना लिखना सीखा, वो भी हमसे आगे निकल गया, तो ऐसी कौन सी चीजें हुई, हमने कौन सी गलतियां की, ये हमको देखना. और किसी भी देश के सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, यानी फास्ट सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए 25% GER हायर में, हायर एजुकेशन में होना जरूरी. यानी अगर किसी देश में हायर एजुकेशन GER 25% हो जाए तो समझो अब वो आगे तेजी से तरक्की करे. हम उस लेवल पे अब पहुंच गए हैं, 27% हो गया है, इसका मतलब अब फ्यूचर में जो हमारा नेशनल डेवलपमेंट होगा, जो सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, वो फास्ट होगा, ये हमें मानना चाहिए. और हमारे यहाँ एक ये है कि यूनिवर्सिटी डिग्री एक सोशल स्टेटस से अटैच हो गई है, और इसलिए भी थोड़ा नीचे से, स्पेशली फ्रॉम द देयर आर हाई एस्पिरेशंस अमंग वीकर सेक्शंस रिगार्डिंग हायर एजुकेशन. हायर एजुकेशन लोग आना चाहते हैं और इसलिए हमें एक्सपेंशन करना पड़ता है. तो पहली प्रायोरिटी हमारी क्या होनी चाहिए, एक्सपेंशन. इसकी वजह यह है, एक तो हमारा GER वर्ल्ड एवरेज से भी 10% कम है, इसका मतलब अभी हमें सिस्टम को और एक्सपेंड करना चाहिए. सेकेंडली, यूथ फ्रॉम वीकर सेक्शंस इज कमिंग अप आफ्टर पासिंग आउट स्कूल एजुकेशन एंड एक्सपेक्टिंग एंट्री इन हायर एजुकेशन. उन्हें भी हायर एजुकेशन चाहिए, तो उनके लिए भी हमको करना है, इसलिए हमको एक्सपेंशन करना पड़ेगा. इसके लिए NEP 2020 ने कहा है, within the next 15 years till 2035 GER has to be increased to 50. ye NPE ne diya GER ko 35% 2035 tak 50% karna, is waqt 27% hai, usko 50 tak le jana. aur iske liye humko kya karna hoga, iske liye hame sochna hoga.
जो एग्जिस्टिंग सिस्टम हमारा है, जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी है ऑलरेडी, उनका इनटेक भी हमको कुछ बढ़ाना पड़ेगा, कुछ नए इंस्टीट्यूशन भी क्रिएट करने पड़ेंगे, स्पेशली इन द रूरल एरियाज। अब तक क्या रहा है कि जो हायर एजुकेशन एजुकेशन सिस्टम इज कंसंट्रेटेड इन द सिटीज, और स्पेशली जो गुड सो कॉल्ड बेस्ट यूनिवर्सिटीज आर इन द कॉस्मोपोलिटन सिटी, जो बड़े शहर हैं उनमें ही अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं, और जो रूरल एरिया है वो अभी तक इससे डिप्राइव्ड है। तो अब पॉलिसी ये कह रही है कि इंस्टीट्यूशन और खोले जाए, और खासकर जो सेमी अर्बन एरियाज हैं, रूरल एरियाज हैं, उन पर खास ध्यान दिया जाए। कोशिश ये की जाए कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो। ये भारत सरकार NEP 2020 के थ्रू कह रही है, फ्यूचर में हम हर जिले में एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कम से कम खोले जो रीजनल लैंग्वेज में एजुकेशन दे, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रीजनल लैंग्वेज। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक प्रोविजन है जो उसमें कर रहे हैं। अभी तक जो विकास हुआ है हायर एजुकेशन का वो अनप्लान्ड रहा है, उसमें कोई प्लानिंग नहीं है। सच्चाई यह है कि करीब करीब सारे एजुकेशन सिस्टम में प्लानिंग नहीं रही, ये देखा ही नहीं गया कि हमें किस फील्ड के कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी नियर फ्यूचर में, और हमें शायद उतने ही ग्रेजुएट हमें प्रोड्यूस करने चाहिए, ऐसा हमने नहीं किया। और लार्ज स्केल एक्सपेंशन विदाउट प्रोपोर्शनेट इम्प्रूवमेंट इन द रिसोर्सेज, यानी बड़े पैमाने पर एक्सपेंशन किया लेकिन रिसोर्सेज उतने नहीं बढ़े, रिसोर्सेज कम रहे, और उससे ये हुआ कि दिस लेड टू डिटीरियोरेशन इन द क्वालिटी, इससे क्वालिटी गिरी। और अगर हम एजुकेशन को इंडस्ट्री माने तो किसी भी इंडस्ट्री में अगर हम प्रोडक्शन बढ़ा देंगे और उसमें इनपुट नहीं इंप्रूवमेंट करेंगे, उसमें रिसोर्सेज नहीं बढ़ाएंगे, तो जो प्रोडक्ट होगा उसकी क्वालिटी गिरेगी, तो क्वालिटी उसकी गिरी, और उससे क्या हुआ कि आवर इकोनॉमी हैड टू फेस लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट। उससे अनएम्प्लॉयमेंट, ग्रेजुएट तो बहुत निकले लेकिन वो एम्प्लॉयबल नहीं थे, उनको जॉब नहीं दिया जा सकता था, वो किसी जॉब लायक नहीं थे। देखिए हालात आज भी बहुत नहीं बदले हैं, अगर हम अब भी देखें, अगर कोई स्टूडेंट आज यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर निकलता है ही कैन ओनली रीड एंड राइट, ही कैन डू नथिंग एल्स अनलेस ही इज प्रोफेशनली ट्रेंड। देखिए अगर वो प्रोफेशनल कोर्सेज से आया है तो अलग बात, लेकिन जो जनरल एजुकेशन से निकल कर आया डिग्री लेकर, वो रीडिंग और राइटिंग जानता, इसके अलावा उसको कुछ नहीं। और रीडिंग और राइटिंग में जॉब नहीं है, जॉब टेक्निकल, तो हमें स्किल डेवलपमेंट पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और इसलिए स्किल इंडिया की बात गवर्नमेंट करती है। हालांकि कुछ लोगों को इन चीजों में एतराज हो रहा, और जो गवर्नमेंट कह रही है सिक्स क्लास से हम कोडिंग सिखाएंगे, वोकेशनल एजुकेशन सिखाएंगे, तो कुछ लोग कह रहे हैं ये तो चाइल्ड लेबर होगी, क्योंकि कुछ लोगों को तो हर चीज को अपोज करना है। वो ये भूल जाते हैं कि इसी की बदौलत चाइना ने, आज जापान ने, चाइना ने दुनिया का मार्केट कैप्चर किया हुआ है, जिसको हम चाइल्ड लेबर, वहां का 8 साल का बच्चा अगर स्कूल छोड़ दे तो बेकार नहीं होगा, हमारे यहाँ का 8 साल का बच्चा छोड़ दे तो कुछ नहीं करता, इवन ग्रेजुएट हमारे यहाँ का नहीं कर सकता, तो दीज आर दी प्रॉब्लम। एम्प्लॉयबिलिटी हमको बढ़ानी पड़ेगी। एक एजुकेशन मिनिस्टर ने भी करीब 15 साल पहले ये कहा कि हमारे यहाँ की यूनिवर्सिटी से सिर्फ 9% ग्रेजुएट ऐसे निकलते हैं जिनको जॉब दे सकते हैं, 91% ऐसे हैं जिन्हें हम जॉब दे ही नहीं सकते, वो एम्प्लॉयबल ही नहीं है, उनको जॉब दिया ही नहीं जा सकता। मैं बल्कि वो रिपोर्ट पढ़ रहा था कि किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है इंडिया के 60% इंजीनियर और 60% डॉक्टर ऐसे हैं जिनको जॉब दिया ही नहीं जा सकता, यानी वो एम्प्लॉयबल नहीं है।
और ये प्रॉब्लम हमारे यहाँ है, और ऐसी सिचुएशन बहुत आती है, हम लोगों ने देखा खासकर खुले बहुत सारे प्राइवेटाइजेशन जब से हुआ है तो इंजीनियरिंग कॉलेज उनमें तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग वो लोग नहीं देते, सर्टिफिकेट तो देते हैं। अच्छा, उसका फ़ायदा जो है जो कंपनियां अपने अलग तरीके से उठाती हैं, वो क्या करती है, फ्रेश इंजीनियर आया उसके पास सर्टिफिकेट है, डिग्री है, मान लीजिए उसके पास स्किल्स नहीं है जो उन्हें चाहिए तो उसको जॉब दे देंगे वो, और एक मीगर सैलरी 5,000-6,000 रुपये पर उसको रख लेंगे, एंड देन दे वुड ट्रेन दैट इंजीनियर इन देयर वर्क, तो कंपनी उसको अपने काम में ट्रेन करेगी कुछ टाइम तक, और जब वो अपने उस कंपनी के ट्रेन हो जाएगा तो उसको वो एकोमोडेट कर लेगी, और तब उसको वो यू नो अपनी मर्जी से जो भी सैलरी देना चाहेगी देगी। लेकिन इसका रिजल्ट ये होगा कि वो आदमी फिर और कहीं का काम का नहीं होगा, उसी कंपनी का काम करता है। तो ये चीज़ हमारे यहाँ हो रही है, अनएम्प्लॉयबल ग्रेजुएट पैदा हो रहे हैं, ये इसको हमें सीरियसली लेना पड़ेगा। कई सवाल इसमें उठते हैं, क्या हम सबको हायर एजुकेशन दें या जो डिजर्व करते हैं उनको दें, या उनको जो डिजर्व करते हैं और डिजायर भी करते हैं, जो चाहते भी हैं और उनको डिजर्विंग भी है, उनके कई सवाल है, ये बहुत सारे कंट्रोवर्सियल क्वेश्चन है। मेन बात यह है कि अब हमें दो चीजों को देखना है, एक तो GER बढ़ानी है, एक्सपेंशन करना है, ये NPE हमारी कहती है, NEP कह रही है कि हम 50% तक GER ले जाएंगे, और उसके लिए जो भी हमें करना पड़ेगा वो करेंगे, और रिसोर्सेज भी उसके लिए हमें और ऑगमेंट करने पड़ेंगे, हमको करना पड़ेगा। दूसरा ये, हमें सारे इंस्टीट्यूशंस की क्वालिटी इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, यू नो वी हैव टू ब्रिंग इट टू यू नो रीजनेबल लेवल इन क्वालिटी, एक फास्ट लेवल तक हमको ले जाना पड़ेगा, सो दैट आवर ग्रेजुएट्स द क्वालिटी ऑफ आवर ग्रेजुएट इज कंपेरेबल टू दोज ऑफ द वर्ल्ड एनीवे, कहीं भी। देखिए ये जो पॉलिसी है इसमें एक चीज़ ये है कि ये जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हैं वो मुझे ये इंप्रेशन दे रहा है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इंटेंशन ये है कि हम हायर एजुकेशन सिस्टम को इतना इम्प्रूव करें कि हमारी डिग्री इंटरनेशनली तो इसलिए अब हम इसकी कोशिश करें, GER बढ़ाएं, क्वालिटी इम्प्रूव करें। तीसरी चीज़ हमको और करनी पड़ेगी, कुछ इंस्टीट्यूशंस को हम आइडेंटिफाई करें और उनको हम वर्ल्ड क्लास स्टेटस तक ले जाए, इतना क्वालिटी में उनको बढ़ाएं, आई मीन जिनको हम इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सेलेंस कहते, तो एक्सेलेंस भी हम पैदा करें। तो तीन चीज करें, नंबर वन GER बढ़ाएं, दूसरा ओवरऑल क्वालिटी इंप्रूव करें, तीसरा डेवलप सम सेलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस एज इंस्टीट्यूशंस ऑफ एक्सेलेंस। तीन चीजें हमको करनी है, ये तीनों चीजें किसी न किसी रूप में हमारी इस पॉलिसी में दी है, ये आएगी अभी हम देखो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक चीज और मैं बीच में बता दूं कि कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस यूनिवर्सिटी रैंकिंग करती हैं, आप जानते हो यूनिवर्सिटी रैंकिंग पिछले 2000 हर साल करीब 2000 यूनिवर्सिटीज का वो सर्वे करते हैं और 1000 की लिस्ट छापते हैं, रैंकिंग पब्लिश करते हैं 1000 की, और उनमें कंट्री वाइज वो कैटेगराइज करते हैं किस देश की कितनी। तो उसमें US सबसे आगे रहता है पहले शुरू से ही, और अगर आप रीसेंट फिगर देखें तो हर साल करीब करीब 150 के आसपास जो टॉप 500 इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें US के ही होते हैं, यानी जो टॉप 500 1000 की लिस्ट में से जो ऊपर उनमें कुछ
जर्मनी और फ्रांस के होते हैं, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन का है। इवन चाइना का भी अच्छा खासा है। इंडिया की पोजीशन, हमारी पोजीशन ये है कि शुरू में 2004 में तो हमारे जो पहला वो छपा था उसमें 3 इंस्टीट्यूशंस थे जो कि उनकी रैंकिंग बहुत ऊपर नहीं थी, रैंकिंग तो नीचे थी, 300-400 के करीब उनकी रैंकिंग थी, लेकिन 3 इंस्टीट्यूशन थे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IIT खड़गपुर और एक आध कोई यूनिवर्सिटी शायद थी। उसके बाद हर साल लगातार नंबर भी कम हो रहा है और ये जो अच्छे इंस्टीट्यूशन एक बार टॉप 500 में आ गए थे उनकी रैंकिंग भी गिर रही, लगातार गिर। और अभी मैं 2019 और 20 की डिटेल देख रहा था तो एक भी हमारे यहाँ का इंस्टीट्यूट टॉप 500 में नहीं है, नॉट इवन IIT, नॉट इवन IIS। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर जो कि टॉप 500 में शुरू में आती थी वो भी अब नहीं आ रही, तो ये चिंता का विषय है। ऐसा क्या हुआ कि जो हमारे अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं उनकी रैंकिंग भी नीचे आ गई? तो ये इसको, ये सीरियस बात है, इसको इन चीज़ों को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये है। अब हमको देखना है कि ऐसा क्यों, इसको एनालिसिस करना पड़ेगा। मैंने थोड़ी सी इसकी स्टडी की और जो रैंकिंग प्रोसीजर है यूनिवर्सिटीज का, ऑर्गेनाइजेशंस का, करने की कोशिश की क्या बात। तो मुझे लगा कि हमारा जो सबसे कमजोर कंपोनेंट है वो है रिसर्च। रिसर्च इज द वीकेस्ट कंपोनेंट ऑफ आवर यूनिवर्सिटी सिस्टम, सबसे कमजोर है रिसर्च। और वो जो रैंकिंग प्रोसीजर है उसमें करीब करीब 60% वेटेज रिसर्च पब्लिकेशन एंड रिसर्च बेस्ड अवार्ड्स इन्हीं का है, यानी 60% वेटेज इन्हीं को दिया जाता कि भाई किसी यूनिवर्सिटी में कितने लोगों को नोबेल प्राइज मिला, कितने को फील्ड मेडल्स मिले, कितने को दूसरे अवार्ड मिले, और इंटरनेशनल जो बहुत रेपुटेड जर्नल्स हैं नेचर बहुत, उनमें कितने पेपर्स छपे, साइटेशंस कितने हैं, यू नो इंटरनेशनल, ये जो रिसर्च की जो क्वालिटीज हैं इनको वेट दिया जाता है, वो वेट 60%। बस हमारी यूनिवर्सिटी बहुत पछड़ती है, रिसर्च कंपोनेंट हमारा बहुत, हालांकि PhDs तो बहुत कराते हैं और पिछले 10 साल की अगर हम बात करें 2009-10 से 19-20 तक नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज प्रोड्यूस्ड बाय आवर यूनिवर्सिटीज हैव ग्रोन चार गुनी। अगर आप डेटा देखें तो 2009-10 में करीब 10,000 PhDs अवार्ड होती थी और अब 40,000 के आसपास PhDs अवार्ड होती है, तो चार गुना PhDs अवार्ड हो गई। लेकिन उनमें रिसर्च कितनी होती है ये हमको सोचना पड़ेगा। मेरा सोचना यह है कि, और मैं कह भी देता हूं कई बार, वी आर अवार्डिंग डॉक्टोरल डिग्री विदाउट रिसर्च। लार्ज नंबर ऑफ PhD dissertations submitted to our universities have no element of this. अच्छा ना लगा हो मेरी बात तो माफ कीजिए, लेकिन ये सच्चाई है कि जो थीसिस सबमिट होती है 90-95% में रिसर्च नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ। टॉपिक्स हैं रिसर्च के वो रिपीटेटिव है, यानी मुझे याद है कि एक हमारे टीचर दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब हम एमएड कर रहे थे तो बहुत सीनियर टीचर थे, पढ़ाते थे, वो कहा करते थे कि हमारी PhD क्या है, जस्ट एंटर ए लाइब्रेरी, पिक अप ए फ्यू टेस्ट एट रैंडम, एडमिनिस्टर टू सम स्टूडेंट्स
हैंड ओवर टू द स्टैटिस्टिशियन एंड यू गेट ए पीएचडी, ये वो कहा करते हैं। आप टेस्ट लाइब्रेरी में चले जाइए और रेंडमली कोई भी टेस्ट उठा लीजिए और एक ग्रुप को एडमिशन कर दीजिए, डेटा जो आया उसको स्टैटिस्टिशियन की देती, ही विल फाइंड आउट समथिंग, सम कोरिलेशन विल कम, कुछ तो कोरिलेशन निकल ही आया। इस तरह के जो है, इस तरह का रिसर्च वर्क हमारे यहाँ हो रहा है। और दूसरी गलती हमने ये की, एक तो हमने ये गलती की कि रिसर्च का नंबर बढ़ाया, क्वालिटी नहीं बढ़ाई। दूसरी गलती ये कि हमने उसको जॉब से जोड़ा, वो भी एक गलती है कि हमने कहा पीएचडी जरूरी होगी यूनिवर्सिटी टीचर, बस वो बहुत बड़ी गलती है। उसका नतीजा देखिए आप कि पीएचडी का नंबर एकदम फ्लड बाढ़ की तरह बढ़ा, नंबर बढ़ा, रिसर्च नहीं बढ़ी। अगेन देखिए, रिसर्च एक कैरियर होना चाहिए, जॉब के लिए नहीं होनी चाहिए रिसर्च, वो गलती है। रिसर्च शुड बी ए कैरियर। हम जॉब देने के लिए रिसर्च न कराए, रिसर्च कराने के लिए जॉब दें, इसको समझिए। रिसर्च कराने के लिए हम जॉब दें, हम ऐसे लोगों को जॉब में लाए जो रिसर्च करने के कैपेबल हो, पहले से उसको उस पर डिग्री हो, ये मुझे मेरे गले नहीं उतर। और इसी से ये प्रॉब्लम है। तो वो गलती हमने की, ये चीज की बाढ़ आ गई, तब हमने सोचा आप क्या करें। तो हमने एक गलती और की, हमने कहा ठीक है पीएचडी के साथ अब आपको 5 पेपर भी पब्लिश करने हैं, उसका रिजल्ट भी आप जानते हो, हर गली कूचे में एक जर्नल छपता, शाम को आप पेपर दीजिए, सुबह पब्लिश हो जाएगा। एक गलती को ठीक करने के लिए हम दूसरी गलती कर रहे हैं। और कहीं कभी कभी हम ये भी सोचते हैं कि हम रिसर्च पे ज्यादा पैसा खर्च करेंगे तो अच्छी रिसर्च होगी, पता नहीं हमें ऐसा क्यों सोचते। फंड रिसर्च नहीं करता, पैसा रिसर्च नहीं करता, व्यक्ति रिसर्च करता, ये हमको नहीं भूलना चाहिए। स्कॉलरशिप पे हमारा बहुत आजकल खर्च हो रहा है, गवर्नमेंट लगातार बढ़ा रही है, 9 नेट ताजुब है। एक टाइम ऐसा भी आया था कि ये था कि जिसको भी हम एडमिशन दे देंगे उसको गवर्नमेंट, आई डोंट नो व्हाट इज द पोजीशन नाउ, अब पोजीशन क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने उस सिचुएशन को अच्छी तरह झेला है कि जब वो टाइम था कि जितने एडमिशन होंगे सबको स्कॉलरशिप मिलेगी, हमारे ऊपर प्रेशर रहता था कि दाखिला करो किसी तरह, आपकी जेब से थोड़े जा रहा है स्कॉलरशिप, आप समझिए हमारे ऊपर प्रेशर कि आप क्यों नहीं दाखिला कर रहे, स्टूडेंट लीडर्स आ रहे हैं, क्यों नहीं आप दाखिला कर रहे हैं, और आपकी जेब से थोड़ी जाता है, इनको स्कॉलरशिप मिल जाए, गरीब बच्चे, स्कॉलरशिप गरीबी हटाओ स्कीम नहीं है, ये नहीं होना चाहिए भैया। देखिए, रिसर्च के लिए, रिसर्च रिक्वायर सुपीरियर इंटेलेक्चुअल कैलिबर, सुपीरियर रिसर्च एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट इन रिसर्च एंड मोटिवेशन फॉर रिसर्च। इन 4 चीजों पे हम आदमी को रिक्रूट करें और तब उसको कहें चलिए आपका कैरियर रिसर्च। तो रिसर्च एज ए कैरियर हमने कभी डेवलप करने की कोशिश नहीं, हमने ये सोचा कि जो यूनिवर्सिटी में आ जाएगा वो रिसर्च करके आएगा, बस उसका काम खत्म, उसके बाद उसको रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। तो ये सब चीजें जो है हम लोग करते रहे। और पेपर लिखने की अब आप मत सोचिए, आपको पता है सारा, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। जैसे ही मास्टर डिग्री
आदमी ने क्लियर दी, उसमें पेपर लिखना शुरू। और लिखना कैसे है, लाइब्रेरी में गया, एक एनसाइक्लोपीडिया खोला, एक डिक्शनरी खोली, एक कोई और किताब खोली और बस कागज लिखना शुरू किया। यानी एक कागज से दूसरे कागज पर मटेरियल चला गया, दिमाग में नहीं गया, यानी ब्रेन से नहीं गुजरता, उसकी प्रोसेसिंग नहीं होती मटेरियल की, मटेरियल एक कागज से दूसरे कागज पर चला जाता। इस तरह फिर पेपर बहुत छपे लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि हमने गलती की, हमने उसे सिर्फ जॉब से जोड़ दिया। देखिए जिस चीज को हम जॉब से जोड़ देंगे उसकी क्वालिटी गिरेगी, ये हमको ये इस पर डांट बात देनी चाहिए। जॉब के लिए तो सिर्फ टैलेंट चाहिए, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी चाहिए, उसके बेसिस पे आप दीजिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन रखिए, पहले होता था और उसके बाद डेवलप होने दीजिए आदमी को वहां। देखिए मैं बताऊं, हम जैसा कि डॉक्टर सोमी सिंह आपको पहले ही बताया, मैं शुरू शुरू में भी एचयू में था और माय फर्स्ट अपॉइंटमेंट एज लेक्चरर वाज इन बीएचयू इन 1980। हमारे हेड थे प्रोफेसर एस एन सिंह, तो हम लोगों को जब लिखता देखते थे तो वो कहते थे देखिए अभी नए नए आप प्रोफेसर में आए हो, 5 साल पढ़िए, 5 साल अपना सब्जेक्ट पढ़िए तब लिखिए। अब पूरा सिस्टम बदल गया, पहले लिखाई बाद में पढ़ाई, पढ़ाई होगी हो जाएगी बाद में देखा जाएगा, लेकिन लिख लो पहले। ये चीजें इनको नए सिरे से हमें सोचना पड़ेगा, इसमें क्या करें। स्कॉलरशिप बहुत बड़ा अट्रैक्शन हो गया है, मुझे कहना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि जॉब मार्केट में जॉब ही नहीं है और स्टूडेंट थीसिस तैयार करने के बाद सबमिट नहीं करता जब तक 4.5 साल की स्कॉलरशिप वो नहीं ले लेता, ये सच्चाई है, ये हमने देखा। वो थीसिस को लिए बैठा रहता क्योंकि पैसा अच्छा खासा रिसर्च में मिलता है, अच्छी बात है, फंडिंग करना बुरा नहीं है, लेकिन फंड एक्चुअल रिसर्च, फंड जेन्युइन रिसर्च, जेन्युइन रिसर्च को फंड करो, स्कॉलरशिप का अमाउंट और बढ़ा दो लेकिन रिसर्च में उसको लाओ जो रिसर्च कर सके। रिसर्च इज नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए, अब हम पॉलिसीज की अगर बात करें, ये जो नेशनल पॉलिसी एजुकेशन है हमारी, इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से देखता हूं। पहली पॉलिसी 1968 में आई थी जो कि कोठारी कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित थी, दूसरी 1986 में आई और ये 34 साल बाद 30वीं है, लेकिन ये उन दोनों से भिन्न है क्योंकि वो पहली वाली, दोज टू पॉलिसीज वर मेंट फॉर कंसोलिडेटिंग एन एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन, जो पहले से सिस्टम था उसको ही मजबूत करने के लिए वो थी, लेकिन मैं सोचता हूँ दिस पॉलिसी इज फॉर ए चेंज, ये पॉलिसी जो है चेंज करती है, यूनिवर्सिटी के स्ट्रक्चर को भी बदलना चाहती है। पॉलिसी कहती है अब हम विल डेवलप, आई मीन विल चेंज ऑल यूनिवर्सिटीज इनटू मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी, मल्टी डिसिप्लिनरी, यानी वो जो पुराना सिस्टम था एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये सब नहीं, सिंगल फैकल्टी यूनिवर्सिटी अब नहीं होगी, डीम टू बी यूनिवर्सिटी अब नहीं, यानी दुनिया का जो यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट है, ग्लोबल कॉन्सेप्ट ऑफ ए यूनिवर्सिटी, दैट इज दैट विल बी एक्सेप्टेड, उसको एक्सेप्ट किया जाए, और वो है मल्टी डिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट ऑफ ए यूनिवर्सिटी। ये अब ये यूनिवर्सिटी कहती है कि हमारी सारी यूनिवर्सिटी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, टाइम दिया है उसमें करीब 15-20 साल का, उतने पीरियड में हमें सारी यूनिवर्सिटी को मल्टी डिसिप्लिनरी बनाना है। हालांकि मल्टी डिसिप्लिनरी हमारी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं अभी, लेकिन उनमें भी हमने यू नो डिमार्केशंस किए हुए, फैकल्टीज में बांट दिया है, और एक फैकल्टी साइंस फैकल्टी फॉर एग्जांपल, साइंस फैकल्टी में कोई है तो वो साइंस के ही 3 सब्जेक्ट ले सकता है, आर्ट्स का 1 पीरियड ले सकता है, ये नहीं होना चाहिए। अब नई पॉलिसी ये कहती है ये नहीं हो सकता है, कोई बच्चा एमबीए कर रहा हो, मैनेजमेंट पढ़ रहा हो और वो एक पेपर लॉ का पढ़ना चाहता हो तो क्यों ना परमिशन दी,
ये आइडिया है कि जो वो पढ़ना चाहे फ्लेक्सिबिलिटी आए, जो वो पढ़ना चाहे वो पढ़े, इस तरह का ये मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच की बात अब हो रही है। पॉलिसी ये भी कहती है कि हम यूनिवर्सिटीज को दो हिस्सों में बांटेंगे, एक वो होंगी जिनमें रिसर्च पर ज्यादा इंफेसिस होगा और दूसरी वो होंगी जिनमें टीचिंग पर ज्यादा इंफेसिस होगा। ये भी एक आइडिया इसमें है पॉलिसी, रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज एंड टीचिंग इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज। देखिए टीचिंग और रिसर्च होगी दोनों में, लेकिन एक में रिसर्च पर ज्यादा इंफेसिस होगा, दूसरी में टीचिंग पर ज्यादा इंफेसिस। इस तरह से दो तरह की यूनिवर्सिटीज की बात पॉलिसी करती है। और उसके बाद कॉलेजेस को खत्म करने की बात है, देयर बी नो एफिलिएट कॉलेज। एफिलिएटेड कॉलेज एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे ऐसी भी यूनिवर्सिटीज हैं जिनके जिनके पास 1000 कॉलेज है। और कॉलेजेस को मैनेज करने में ही यूनिवर्सिटी का टाइम निकलता है, एडमिनिस्ट्रेशन का टाइम निकलता है। क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए ना टाइम है ना रिसोर्स। इसको ये कह रहा है कि भाई देखो इस तरह के जो कॉलेज, अब उसमें कई चीजें दी कॉलेजेस के लिए, उनको कहा है कि वो अपने आप को इम्प्रूव करें, उनको टाइम दिया जाएगा, उनको ऑटोनोमस कॉलेज का स्टेटस दिया जाएगा, पहले ऑटोनोमस कॉलेजेस या कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज, उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही वो इम्प्रूव होंगे उनको रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटी या टीचिंग इंटेंसिव यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट किया जाएगा। ये इस तरह के प्रपोजल्स हैं कि कॉलेजेस अपने आप को इम्प्रूव करें और एफिलिएटिंग सिस्टम अब धीरे धीरे खत्म। और अब एक और प्रपोजल है इसमें, हाँ एक और चीज की कोर्सेज इंटीग्रेटेड हो, ये भी कह रहा 4 साल के इंटीग्रेटेड BA BS और उसमें भी रिसर्च कंपोनेंट होगा, और जो भी 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करके रिसर्च कंपोनेंट के साथ डिग्री पूरी करेगा उसको सीधा PhD में एडमिट कर लेंगे। ये इसमें प्रोविजन है। और अंडर ग्रेजुएट लेवल पे PhD दूसरे कंट्रीज में होती है, ग्रेजुएट डिसर्टेशन सबमिट करते हैं तो वो चीज़ यहाँ भी होगी। अब तक हमारे अंडर ग्रेजुएट लेवल पर कोई डिसर्टेशन नहीं, हालांकि PG लेवल के कुछ कोर्सेज में हमारे यहाँ डिसर्टेशन का प्रोविजन है, लेकिन वो भी कोई बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं होती है। MPhil अब नहीं हो, पॉलिसी कहती है MPhil की कोई जरूरत नहीं है। और वास्तव में MPhil हमने तो बहुत पहले बंद कर दिया था अलीगढ़ AMU में, मैं समझता हूँ 90 के बाद हमने कोई MPhil का एडमिशन नहीं किया, क्योंकि हमको ऐसा लगा कि ये इसमें भी टाइम काफ़ी लग जाता है, कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट इसमें नहीं होता, इसलिए MPhil को हमने बंद कर। इसके बाद पॉलिसी में एक कॉन्सेप्ट और दिया है कि एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, एक सिस्टम क्रिएट किया जाएगा जो नेशनल लेवल पर रिसर्च को कोऑर्डिनेट करेगा, फंडिंग करेगा और उसकी क्वालिटी को मॉनिटर। तो उसका क्या वो होगा, उसका भी आना बाकी है और उसका काम हो रहा है, देखिए क्या होता है। इसके बाद वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज के लिए एक और कॉन्सेप्ट इसमें आया है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी मेरूस, जो मैं कह रहा था ना कि कुछ इंस्टीट्यूशंस को आइडेंटिफाई किया जाए और उनको रिसर्च यूनिवर्सिटीज यानी वर्ल्ड क्लास रिसर्च यूनिवर्सिटीज में कन्वर्ट किया जाए, डेवलप किया जाए, दे शुड बी गिवन इंक्रीज फंड्स। तो ये चीज करने की बात हो रही है, इनको एडिशनल रिसोर्स भी दिया जाएगा। और ऐसा सिस्टम USA में है, उन्होंने क्या किया, उनके यहाँ कुछ यूनिवर्सिटी है जिनको आईवी लीग यूनिवर्सिटीज कहते हैं, 8 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो अमेरिकन गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई, जिनको उन्होंने शुरू में 8 को आइडेंटिफाई किया, एंड दे डेवलप्ड देम इनटू आईवी लीग यूनिवर्सिटी, दैट मीन वर्ल्ड क्लास रिसर्च यूनिवर्सिटीज, गिविंग देम एडिशनल फंड्स एंड रिक्रूटिंग बेस्ट स्टूडेंट्स एंड बेस्ट टीचर्स। तो ये उन्होंने किया। चाइना ने भी इस तरह से 2 प्रोजेक्ट, एक था चाइना का प्रोजेक्ट 211, उन्होंने क्या किया कि 112 यूनिवर्सिटी आइडेंटिफाई की और उनका उनकी जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया, इम्प्रूव करने के लिए एडिशनल फंड,
एक चाइना में प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट 985, एंड दैट वाज मेंट फॉर डेवलपिंग वर्ल्ड क्लास चाइनीज यूनिवर्सिटीज, और उन्होंने 9 यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट किया था, उनको वो वर्ल्ड क्लास लेवल पर ले गए, एडिशनल फंड दिया, और आज पोजिशन ये है कि वहाँ करीब करीब 39 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिनको वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज कह सकते हैं, एंड हुज आउटपुट एंड रिसर्च कंट्रीब्यूशन इज कंपेरेबल टू यू नो एनी इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। तो इस तरह के कुछ हमको भी करना चाहिए। ये हैं कुछ चीज़ें। अब मैं ये बताता हूँ हमको करना क्या चाहिए शॉर्ट में, क्योंकि टाइम शायद मैं ले गया हूँ, 6 से ज़्यादा बच गया। देखिए हमको करना क्या है, मैंने थोड़ी सी जो बेस्ट यूनिवर्सिटी 4-5 यूनिवर्सिटी को स्टडी किया, जो फर्स्ट रैंक यूनिवर्सिटीज आती हैं उनमें हार्वर्ड है, MIT है, कुछ और है, उनको मैंने स्टडी किया है। तो मैंने देखा कि क्या क्या उनमें ऐसा है। देखिए एक तो उनका साइज है, 20,000 और 25,000 के बीच में स्टूडेंट और 2,000 से 2,500 के बीच में स्टूडेंट, साइज इतना है, बहुत बड़ा नहीं बहुत छोटा नहीं। एक तो ये हमको करना चाहिए, बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन भी मैनेजेबल नहीं होते, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए उनको नहीं करना चाहिए। देन स्ट्रेंथन इंटरनेशनल डायमेंशन, देखिए इंटरनेशनल डायमेंशन को स्ट्रॉन्ग करना है, वी शुड रिक्रूट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल टीचर्स कहीं से, एंड स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन मेरिट, मेरिट को एनकरेज करें, मेरिट की रेस्पेक्ट करें, ये हमको करना पड़ेगा। मेरिट को हर चीज में रिकॉग्निशन देनी चाहिए, तभी हम वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज की बात कर पाएंगे। और फैकल्टी रिक्रूटमेंट, फैकल्टी प्रमोशन, ये सब यू नो क्वालिटी ऑफ वर्क और मेरिट के बेसिस पर होना चाहिए, टाइम बाउंड कुछ नहीं। हमारे यहाँ ऑलमोस्ट हर चीज़ टाइम बाउंड हो जाती है ना, बेसिकली जो हमारे यहाँ सिस्टम चल रहा है, पहले तो मेरिट प्रमोशन होता था, मेरिट प्रमोशन स्कीम, उसमें मेरिट के अलावा सब कुछ होता था, उसके बाद आया कैरियर एडवांसमेंट, इसमें भी सिर्फ कैरियर तो एडवांस होता है और कुछ एडवांस नहीं होता, ये सब जानते हैं, ये सब टाइम बाउंड होकर रह गया। तो इसके लिए क्या करें, देखिए कैरियर एडवांसमेंट तो जरूरी है, ये तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि आदमी इनिशियल लेवल पर स्टैग्नेट कर रहा है, तो कुछ तो होना चाहिए, लेकिन देर शुड बी द बेसिस शुड बी मेरिट, आई थिंक नॉट द टाइम। अब तो टाइम का इंतजार करते हैं कि मेरे इतने साल हो गए, अब हम बस 2 महीने बचे उसके बाद मुझे अगला ग्रेड मिल जाएगा, ये जो चीज़ है ये खत्म, ये इससे कभी हम इंस्टीट्यूशन डेवलप नहीं करते। उसमें क्या करें ये बहुत सोच सोच के मेरे दिमाग में एक बात आती है कि हम ये सब खत्म करें, ये सब कंपटीशन इन्फ्यूज करिए, बगैर कंपटीशन के कहीं भी कोई यू नो क्वालिटी वर्क नहीं होता, कंपटीशन बहुत जरूरी है। और कंपटीशन इन्फ्यूज करने के लिए दो चीज़ें करनी है, एक तो कंपटीशन लाना है, दूसरा सबको मौका भी देना। देखिए ये जो स्कीम चलाई गई थी क्योंकि सबको मौका नहीं मिलता, पता लगा कि सीनियर पोजीशन तो एक है और स्टाफ 15-20 का है तो सबको मौका फिर उसमें नहीं मिला, इसके लिए ये स्कीम लाई गई, लेकिन इनका इम्पैक्ट जो जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा नहीं हुआ, और मैं ये कहूँगा कि नेगेटिव भी रहा है, यूनिवर्सिटीज में इंटर यू नो इंस्टीट्यूशनल मोबिलिटी घटी और रिसर्च आउटपुट घटा, उसकी क्वालिटी गिरी, ये सब हुआ। तो हमें सोचना पड़ेगा क्या, एक तरीका ये है कि हम किसी भी यूनिवर्सिटी में 3 जो हमारी पोजीशन है, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर, इनका नंबर बराबर कर दें, यानी अगर 15 टोटल पोजीशन है, देर शुड बी 5 प्रोफेसर, 5 एसोसिएट प्रोफेसर, 5 लेक्चर, सो दैट देर इज ए प्लेस फॉर एवरीबडी टू ग्रो, हर एक को चांस है, बट दीज शुड ऑलवेज बी फुलफिल्ड थ्रू ओपन कंपटीशन, ओपन कंपटीशन से भरी जाए। देखिए 5 लेक्चरर हैं तो 5 एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट, 5 असिस्टेंट हैं तो 5 एसोसिएट, लेकिन उनको कंपीट करना पड़ेगा बाहर वालों से भी, अपने आप को साबित करना पड़ेगा कि वो बाहर वालों से बेहतर, वरना बाहर वाला आएगा,
तो अपॉर्चुनिटी भी हो, कंपटीशन, ऐसा कुछ हमको सोचना पड़ेगा, वरना सिस्टम जो है जिस तरह चल रहा है वैसे चलेगा तो उसमें कुछ कुछ निकलेगा। एक हमको एक ऑटोनोमी हमको चाहिए, इंडिविजुअल ऑटोनोमी भी चाहिए, इंस्टीट्यूशनल ऑटोनोमी भी चाहिए, एकेडमिक ऑटोनोमी भी चाहिए, फाइनेंशियल ऑटोनोमी भी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनोमी भी चाहिए। देखिए स्कूल और यूनिवर्सिटी, स्कूल सिस्टम और यूनिवर्सिटी सिस्टम में फर्क क्या, सिर्फ ऑटोनोमी और कोई फर्क, बाकी तो सब वही चीज़ है, वही क्लासरूम, वही ब्लैक बोर्ड, वही टीचर, वही क्लास, वही तरीका, वही लेक्चर, फर्क है तो सिर्फ ऑटोनोमी का। यूनिवर्सिटी को ऑटोनोमी दीजिए, स्टाफ को ऑटोनोमी दीजिए, तो मैं समझता हूँ फिर क्वालिटी बढ़ेगी। जो अच्छी रिसर्च करते हैं हमारे यहाँ बहुत सारे टीचर्स हैं, आप यूनिवर्सिटीज में चले जाइए और जो अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं IITs वगैरह में जाइए, रात को 3 बजे चले जाइए आप, कोई ना कोई आपको लैब में काम करता मिल जाएगा, टीचर या कोई और रिसर्च। तो ऐसा नहीं है कि हमारे कमी है लोगों, रिसर्च कर रहे हैं लोग, क्वालिटी रिसर्च कर रहे हैं। इनके बारे में सोचा गया एक बार बीच में, अगर आपको ध्यान हो, 6th पे कमीशन के साथ एक नई पोस्ट दी गई थी प्रोफेसर ऑफ एमिनेंस, और उसमें यह कहा गया कि जो लोग, जो टीचर क्वालिटी रिसर्च करते हैं और रिसर्च में बहुत इंटरेस्ट जिनको है, इसके अलावा और किसी चीज से कुछ लेना देना नहीं, उन्हें अपनी लैब से मतलब और वर्क से मतलब, उनका इंटरनेशनल वर्क पे पब्लिक काम रिकॉग्नाइज्ड है, उनको एक प्रोफेसर ऑफ एमिनेंस की पोजीशन दी जाए जिसकी सैलरी वाइस चांसलर के बराबर हो। लेकिन ये आज तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ, जब डिस्कस हुआ तो अपोज हुआ, किसने अपोज किया होगा ये आप समझ सकते हो, मैं बताना नहीं चाहता। इसका अपोजिशन वेमेंट अपोजिशन, साहब ये कैसे हो। तो हमारे यहां जो रिसर्चर है उसके लिए इंसेंटिव कहीं है ही नहीं, तो रिसर्च कोई क्यों करे, वो करेगा जिससे अचीवमेंट है, जिससे अचीवमेंट हो तो वो काम करेगा आदमी, रिसर्च करेगा। तो इन चीजों को हमको सोचना पड़ेगा नए सिरे से। और दूसरी बात यह है कि अब 3% रिसोर्सेज बहुत पुराने हो गए। कोठारी कमीशन ने 1966 में कहा था कि सरकार को यू नो 6% खर्च करना चाहिए, लेकिन 3-4 से जाके तो बड़े ही नहीं हम अब। एजुकेशन के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, सब चीज़ के लिए है, ये नहीं चले। हालांकि ये गवर्नमेंट कहती है और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अब पॉलिटिकल विल और रिसोर्सेज की एजुकेशन के लिए कमी नहीं होगी, एंड लेट अस होप फॉर द बेस्ट। ये जो पॉलिसी है जरूर कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट लाएगी, लेकिन उसके लिए अध्यापकों को, हमको दिन रात उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम करना है, सरकार को रिसोर्सेज देने हैं जितनी जरूरत है उतनी रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए। ये चीज़ें अब हमको करनी पड़ेंगी, तब जाके हम कर पाएंगे। हम तो ये कहें कि अगले 10 साल में अगर 1-2 यूनिवर्सिटी भी हमारी टॉप 500 में आ जाए वर्ल्ड रैंकिंग में, तो हम मान लेंगे कि हमने कुछ किया। तो मैं समझता हूँ जो कुछ इसमें है वो मैं कवर कर चुका हूँ। आप लोगों ने बहुत शांति के साथ सुना, हमारी हूँ और सुमित सोम ने, डॉक्टर सोमित ने मुझे अपने प्रोग्राम में शामिल किया, इसके लिए मैं इनकी टीम का भी आभारी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करके, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और जिस तरह के कमेंट आ रहे हैं सर, निश्चित रूप से आज का व्याख्यान बहुत ही जरूरी मुद्दे पर था जिसकी चिंता हम सभी करते हैं, क्योंकि हम सभी उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं। आपने विश्वविद्यालय के इतिहास से बात शुरू की कि किस यूनिवर्सिटी की स्थापना कैसे हुई, और वो बात बढ़ते बढ़ते बीच में आपने चिंता भी जाहिर की कि हमें GER को बढ़ाना होगा और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन को इम्प्रूव करते हुए कुछ इंस्टीट्यूशंस को आइडेंटिफाई करना होगा
इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस के तौर पर और उन्हें रिसोर्सेस मुहैया करा करके, गाइडेंस मुहैया करा करके स्ट्रेंथन करना होगा। रैंकिंग्स की भी बात आपके व्याख्यान में आई, और सबसे मूल चिंता जिस पे आपने काफी फोकस किया और समय दिया, विद्यार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान किया, रिसर्च कंपोनेंट जो कि सबसे वीकेस्ट पॉइंट है हमारे देश में, और यही रैंकिंग में सबसे मेजर कंट्रीब्यूटर भी है, 60% वेटेज है इसका रिसर्च पब्लिकेशन और रिसर्च बेस्ड अवार्ड के तौर पर। वी आर डूइंग पीएचडी विदाउट रिसर्च, बहुत कटु सत्य आपने हम सबके बीच रखा। हमने पीएचडी की संख्या बढ़ाई, उसे नौकरी से जोड़ा, यही कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई है। एक आत्ममंथन, आत्ममूल्यांकन की मुद्रा में आते हुए आपने हम सबको एक दिशा दिखाई है। जॉब कराने के लिए रिसर्च ना कराएं, रिसर्च कराने के लिए जॉब दें, बहुत बड़ी बात जो मैंने पूरे व्याख्यान से नोट की है। सच में जो भी चीज नौकरी से जोड़ी गई उसमें बाढ़ आई और गुणवत्ता से समझौता हुआ है। ये रिसर्च स्कॉलरशिप बहुत बड़ा अट्रैक्शन है सर, हम लोग भी देखते हैं अपनी अपनी संस्थाओं में, और ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, ये जो व्यंग के रूप में आपने कहा है वो सच्चाई के रूप में दिखता है कि ये गरीबी हटाओ योजना बन गई है। हमारे देश में बेरोजगारी की स्थिति को देखें तो ये गरीबी हटाओ योजना के तौर पर काम कर रही है, आपकी इस बात से मैं भी सहमत हूँ। हमें रिसर्च को एक कैरियर के रूप में डेवलप करना होगा, इस बात पे आपने फोकस किया। वैसा नहीं कि रिसर्च हमारा जो मटेरियल है एक कागज से दूसरे कागज में पहुंच गया, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग हमारे ब्रेन में नहीं हुई, ये आपने मूल बात आज हम सबके बीच में रखी है और इस पर हमें सोचना होगा। हम सभी विद्यार्थी के तौर पर, यंग टीचर एजुकेटर के तौर पर, पहले पढ़ें उसके बाद लिखने की कोशिश करें। ये नहीं कि लिखना शुरू कर दें और छपवाने के चक्कर में पड़ जाएं। इसको आपने रेखांकित किया है किस तरीके से चाइना ने अपने विश्वविद्यालयों को वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी में तब्दील किया, उन प्रोजेक्ट की भी आपने चर्चा की और बताया कि उनके 39 संस्थान, उनके 39 विश्वविद्यालय आज ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनकी तुलना आप दुनिया के किसी भी टॉप एजुकेशन इंस्टीट्यूट, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं, और ये उन्होंने कुछ ही वर्षों में किया है अचीव। निश्चित रूप से ये हम सबको भी अपनाना होगा। अंत में आपने कुछ मूल बिंदु रखे कि हमें यूनिवर्सिटीज के, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के साइज पर भी ध्यान देना होगा। पूरी दुनिया के विश्वविद्यालयों का जो टॉप यूनिवर्सिटीज है उनका आपने विश्लेषण करके ये बात कही है, 25,000 की संख्या, सही बात है सर, मैनेज करना बहुत टफ जॉब है अपने देश में। और रिस्पेक्ट टू मेरिट, हमें मेरिट को, गुणवत्ता को फोकस में रखना होगा, उसका आदर करना होगा, चाहे विद्यार्थियों के संदर्भ में बात करें, शिक्षकों के संदर्भ में बात करें, शोधकर्ताओं के संदर्भ में बात करें, या फिर हम विश्वविद्यालयों के नॉन टीचिंग स्टाफ के संदर्भ में बात करें, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं। ये बात भी आपने आज के व्याख्यान में रखी। फैकल्टी रिक्रूटमेंट, फैकल्टी प्रमोशन जो टाइम बाउंड बन गया है, उस पर आपने बेबाक तरीके से कहा कि इसे हमें कॉम्पिटिटिव बनाना होगा, हमें अपॉर्चुनिटी भी देनी होगी और कंपटीशन को भी इंट्रोड्यूस करना होगा। क्यों ना हम असिस्टेंट प्रोफेसर की संख्या, एसोसिएट प्रोफेसर की संख्या, प्रोफेसर की संख्या बराबर कर दें। ये बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा सुझाव आज हमारे बीच आया है, जिससे सबके पास आगे बढ़ने का मौका रहे और एक ओपन कॉम्पिटिशन हो। इस तरीके से आज का जो व्याख्यान है, उस व्याख्यान में देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था को कैसे उच्चीकृत किया जाए, उसमें गुणवत्ता को बढ़ाया जाए, पूरी दुनिया से हम कैसे कॉम्पिटिट करें, इसके लिए मूल बातें जो होनी चाहिए वो हम सबको मिली हैं। और ये पूरा व्याख्यान हमारे बहुत बड़ी कम्युनिटी के लिए, इस कम्युनिटी से लगभग 1,00,000 से अधिक लोग जुड़े हैं, हमारे व्याख्यान को भी 1,000 से ऊपर लोग लाइव देखते हैं, और रिकॉर्डिंग होने के बाद भी बहुत सारे विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षक प्रशिक्षक देखते हैं, उनके लिए ये व्याख्यान एक आई ओपनर की तरह होगा, उनको चिंतन के लिए बहुत सारे बिंदु
प्रदान करेगा, ऐसा मेरा मानना है। हम सभी विद्यार्थियों के लिए, शिक्षकों के लिए, शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए, शिक्षक शिक्षा से जुड़े नीति निर्माताओं के लिए, उच्च शिक्षा से जुड़े नीति निर्माताओं के लिए सर आपने ये सारगर्भित और ज्ञानवर्धक व्याख्यान दिया है। हम अत्यंत आभारी हैं कि आपने हम सबके लिए समय निकाला और इतना महत्वपूर्ण व्याख्यान जो हम सबको दिशा देगा, ज्ञानवर्धन करेगा, जो शोधकर्ता इसको देख रहे हैं उनको भी अपने शोध में किस तरीके से गुणवत्ता लानी चाहिए इसमें मदद करेगा, हम सबको सुनने को मिला है। मैंने सर से निवेदन किया, सर ने सहर्ष स्वीकार किया, मैं व्यक्तिगत रूप से सर का आभारी हूँ और भविष्य में भी सर आपसे मैं आशीर्वाद का, मार्गदर्शन का आकांक्षी रहूँगा। इस प्रार्थना के साथ आज के इस व्याख्यान को समाप्त करने की अनुमति चाहता हूँ और आप बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रणाम सर।